हो, फ्लो में आने की देरी होती है बस। चल भाई स्टार्ट करते हैं अपन लोग। कहाँ तक हो चुका था लगभग? थर्मोडायनेमिक्स आज हम लोगों को शुरू करना है, बाकी हम लोग इसके पहले वाली चीज़ें खत्म कर ही चुके थे। थर्मोडायनेमिक्स में सबसे पहले देखिए, सबसे पहले आपको जो मेन इम्पॉर्टेंट चीज है वो सीखना क्या है, पहले हम आपको ये बताते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स का रूल क्या है, क्यों ये आया, इसके बारे में थोड़ी सी हिस्ट्री जान लेते हैं कि थर्मोडायनेमिक आखिर कहा क्यों जाता है, क्यों बोला गया। इसके पहले हम लोगों ने जब सारी चीजें पढ़ ली कि टेम्परेचर, किसी भी बॉडी का हीट बढ़ाना हो तो अपन एक्सटर्नल टेम्परेचर उसे प्रोवाइड कर देते हैं, ये जब मुझे अच्छी तरीके से पता है तो फिर थर्मोडायनेमिक्स का रोल क्यों आया। हुआ क्या कि ये चेक किया गया कि जो टेम्परेचर होता है ना वो डिपेंडेंट क्वांटिटी नहीं होती, यानी हीट का टर्म्स जब टेम्परेचर के साथ रिलेट करा जाता है तो ऐसा नहीं कि हीट किसी बॉडी का बढ़ाना हो तो टेम्परेचर ही बढ़ाना जरूरी होता है। एक एग्जाम्पल समझते हैं हम लोग कि सपोज करो जैसे हम लोगों को कोई वर्कआउट अपने अपने बॉडी की हीट बढ़ानी है, ठंडी है इस समय, ठंडियों में होता क्या है कि अगर हमें अपने बॉडी का हीट बढ़ाना होता है तो अपन करते क्या है, या एक्सरसाइज कर लिए, वार्म अप हो लिए, या कभी कभी आप देखा करो अपने हाथों को दोनों को हम लोग क्या करते हैं, रब करते हैं, करते हैं ना। अभी सोचो कि अगर हम लोग रब करते हैं तो भी बॉडी का टेम्परेचर एक्सीड करता है, यानी बॉडी हमारी हीटेड होती है। तो इससे ये चीज पता चला कि जो टेम्परेचर होता है ना वो कहीं पे भी एक्सीड कराया जा सकता है, बाय फ्रिक्शन, बाय वर्किंग प्रोसेस, किसी अदर वे में अगर देख लिया जाए, ये सारे फैक्टर्स वहां पे इंक्लूड होते हैं। तो इससे ये पता चला कि किसी बॉडी का हीट बढ़ाने के लिए टेम्परेचर बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। ये था अभी तक हम लोगों ने जो सीखा थर्मल एक्सपेंशन में, दैट इट डजंट मैटर। अब हम लोग सीख रहे हैं कि टेम्परेचर, थर्मो मतलब क्या, हमारा पूरा टेम्परेचर वाला टर्म्स समझ में आया, वो कैसा नेचर रखता है, इसको अपन सही से लिखते हैं, टेम्परेचर वाला टर्म पूरा कैसा नेचर रखता है, डायनेमिक। डायनेमिक का मतलब समझ में आ रहा है ना भैया, मोशन। मतलब अगर इसके मोमेंट के बारे में हम लोग डिस्कस करें, मतलब पूरा यहां पे टर्म्स हम लोग पढ़ जाएंगे, पढ़ लेंगे, लेकिन कहीं हम ये नहीं पढ़ेंगे कि किसी बॉडी का हीट बढ़ाना है तो टेम्परेचर बढ़ा दो। हमें ये बेहतर पता है, सारी चीजें पता है कि वो कैसे काम करती हैं, कैसे नहीं, ऑलरेडी हम लोगों ने थर्मल एक्सपेंशन में पूरा पढ़ चुका है। तो खैर ये तो बेसिक चीज था, इसको जानना बेहद जरूरी होता है, लेकिन अभी हम लोगों को जो सबसे पहले फोकस करना है वो फोकस क्या करना है, फोकस ये दो तीन चीजों पर सबसे ज्यादा फैक्टर रखना है। सबसे पहले यहां पर आता है जीरोथ लॉ। कौन सा लॉ? जीरोथ लॉ। जीरोथ लॉ क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है सर, ये हमेशा कह सकते हो एक प्रकार की कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। जीरोथ लॉ क्या है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब तुम कहोगे सर ये कैसी कंजर्वेशन, हमने कहा, अब इसको अपन रब करते हैं, ठीक बेटा डस्टर दो भैया। मैंने कहा कि सपोज करो एक सिस्टम, ध्यान से देखना, एक सिस्टम ए है और दूसरा सिस्टम बी है, ठीक है। हमने कहा ये दोनों किसी एडियाबेटिक वॉल से सेपरेट थे, किससे सेपरेट थे, एडियाबेटिक वॉल। अच्छा आपके दिमाग में क्या आता है कि अगर ये एडियाबेटिक वॉल है तो इसका मतलब इसके और इसके बीच में हीट एक्सचेंज होगा? नहीं होगा। पक्का? श्योर? बिल्कुल सही। मैंने कहा कि अगर दो, मतलब ऐसे सिंपल सी बात देखो कि अगर दो सिस्टम कोई ए और बी सेपरेटेड बाय एडियाबेटिक वॉल, देन देयर वर नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन देम, डन। चल भाई इतनी बात तो समझ में मेरे को आ गई। अब आपको ये समझना है, ऐसे समझो, अब आपको ये समझना है, सपोज करो मैंने आपसे कह दिया यहां साइड में T1 इज ग्रेटर देन T2, तो इसका मतलब इस बॉडी का टेम्परेचर इससे ज्यादा है, और अगर ज्यादा है तो हम क्या कोई ऐसी कंडीशन हो सकती है कि इसके टेम्परेचर इसके इक्वल हो जाए, क्या दोनों का टेम्परेचर इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाए, ऐसा संभव है? तो हाँ, एडियाबेटिक वॉल की प्रेजेंसी में सर ऐसे तो संभव नहीं है, लेकिन मुझे इसके लिए किसी थर्ड सिस्टम की क्या करना होगा, हेल्प लेनी होगी। अब उस थर्ड सिस्टम को मैंने इसके साथ किस तरीके से कनेक्ट कर दिया, मान लिया कोई थर्ड सिस्टम हो गया सी, और ये किससे कनेक्ट कर दिया, आइसोथर्मल,
आइसोथर्मल भी होगा, वही मतलब हुआ। आइसोथर्मल का मतलब क्या होता है, ये बॉल क्या करेगा, इसके टेम्परेचर को मेंटेन करेगा, आइसोथर्मल है ना, तो ये बॉल क्या करेगा, इसके टेम्परेचर को कांस्टेंट करने की कोशिश करेगा, और ये इससे करने की कोशिश करेगा। तो मेरे कहने का मतलब क्या हुआ, मैंने कहा अगर मैं इसे एक आइसोथर्मलिक बॉल से भी कनेक्ट कर देता हूं, तो हुआ क्या, अब इसका टेम्परेचर, अब तीनों के टेम्परेचर आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। और कहते हैं यही इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या कहलाती है, जीरोथ लॉ। तो अपन इसको ज्यादा नहीं समझते, बस यही समझेंगे कि किसी अगर दो सिस्टम कह सकते हो कि इफ टू सिस्टम्स आर सेपरेटेड बाय एडियाबेटिक वॉल, देन इट शोज इक्विलिब्रियम कंडीशन विद थर्ड सिस्टम सी व्हेन इट इज कनेक्टेड विद आइसोथर्मल वॉल, इट इज नोन एज क्या, जीरोथ लॉ। खत्म, बस बहुत ज्यादा इसके बारे में समझना जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हमारे लाइफ में यूज नहीं है। थोड़ा सा जानते रहेंगे कि थर्मल इक्विलिब्रियम के कंडीशन कैसे ये रिप्रेजेंट करता है, दैट्स इट। ठीक, तो इसको लिखने की जरूरत है आप लोगों को, ठीक है, ऐसे जीरोथ लॉ लिख के आप लोग अपने समझ के अकॉर्डिंगली लिख लेना, जीरोथ लॉ। चल फटाफट नोट कर ले भैया, टाइम ना लगा, जल्दी नोट कर। अब इसमें जल्दी से नोट कर लो, तो इसमें हम लोग डिस्कस करते हैं इंडिकेटर डायग्राम, बहुत तगड़ी चीज है, क्योंकि वहां सारी चीजें आपको ग्राफिकल टर्म्स आपको क्लियर होंगी और बेसिक चीजें बहुत समझ में आएंगी आपको। आयुष बेटे दिक्कत भैया बता देना, लिखवाने की जरूरत तो नहीं ना, हाँ फर्जी बड़ा वो बुक में सारी चीजें मिल जाएंगी, ठीक है, समझो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, हर कॉम्पिटिशन के भी पॉइंट ऑफ व्यू से, और खैर आपके इलेवेंथ में तो जरूरी है भी। रब करते रहो, चलो आ जाओ भैया। अब हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ सीखने जा रहे हैं, इंडिकेटर डायग्राम। क्या सीखने जा रहे हैं, देख बेटा फटाफट देखते हैं, इंडिकेटर डायग्राम। सोचो अगर हम लोग बात करें इंडिकेटर डायग्राम की, अब यहां समझने वाली जो बातें वो है क्या, इंडिकेटर डायग्राम, ये जरूरत ये है, इंडिकेटर डायग्राम का मतलब क्या होता है, टू इंडिकेट, क्या इंडिकेट करना है सर, वेरिएशन बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम। कुल मिला के हम एक लाइन में समझे तो जब हम प्रेशर और वॉल्यूम के में वेरिएशन शो करते हैं विद हेल्प ऑफ ग्राफ, उसी डायग्राम को हम लोग क्या कहते हैं, इंडिकेटर डायग्राम। बस इससे ज्यादा मुझे कुछ समझने की जरूरत नहीं, लेकिन अब ये वेरिएशन किस तरीके से होता है अब आपको मैं सिखाऊं, ध्यान से देखना। अगर मैंने आपसे कहा लेट्स सी बेटा, अगर एक ग्राफ ऐसे है, और थोड़ा सा इसी में हम लोग समझते हैं, ध्यान से देखिए, अपन इसे बोले क्या वॉल्यूम प्रेशर, और ये क्या हो जाएगा वॉल्यूम प्रेशर। चल भैया फटाफट सीखते हैं, तुझे क्या दिख रहा है कि अगर मैं इस पॉइंट को ए मान लूं और इस पॉइंट को मान लिया बी, सेम हियर इस पॉइंट को माना क्या ए, और सपोज कर लिया ये पॉइंट कितना हो गया बी डी, मान लिया, चल कोई बात नहीं बहुत इजी है। अब तुझे ये बेहतर पता है कि इन दोनों पॉइंट के लिए थोड़ा सा दिमाग लगे, यहां प्रेशर कुछ और है तो यहां पर प्रेशर कुछ और, ठीक है, लेकिन वॉल्यूम के टर्म्स को अगर हम देखें तो यहां V1 है, यहां V2, आप बताओ यहां वॉल्यूम आपको एक्सीड करता हुआ दिखाई दे रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, अगर इंक्रीज कर रहा है वॉल्यूम तो इस केस में प्रेशर कैसा होगा, कम होगा, तो और यहां पे प्रेशर कैसा हो रहा है, ज्यादा, तो यहां ये पूरा फंक्शन किसका बना, एक्सपेंशन का मैं कह सकता हूं क्या, ये पूरा कैसा हो गया एक्सपेंशन। यही चीज जस्ट वाइस वर्सा यहां पर देख लो बेटे,
यहां क्या बन रहा है, अगर मैं कहूं तो सेम थिंग हियर V1 V2 और अब प्रेशर P1 एंड P2, इस पर भी P1 P2 दिखा दो कोई फर्क नहीं पड़ता। खैर ये कॉम्प्रेशन, अब आप इसे कह सकते हो सर ये पूरा क्या है हमारा कॉम्प्रेशन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहां पे हमारी बॉडी क्या शो कर रही है एक्सपेंशन, मतलब हमारा गैसीय सिस्टम क्या शो कर रहा है एक्सपेंशन, जबकि वहां पे क्या शो कर रहा है कॉम्प्रेशन। अब इच लाइफ हमेशा आया करना, छोटी छोटी बातें इसमें बहुत ही बेसिक चीजें ध्यान में देनी होती है, क्या कि अगर मैं कहूं इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंशन, इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंशन, एक्सपेंशन के केस में क्या होता है हमेशा लाइफ याद रखना, ये बातें हम आपको दिमाग में रखते हैं, ये पूरा दोनों अगर मैं देखा जाए तो ये किस आइसोथर्मलिक प्रोसेस में काम कर रही है। yes, yes. हाँ, क्योंकि कर्व बन जाए तो आपके दिमाग में ये बन जाए कि P is inversely proportional to क्या है, तभी ये वेरिएशन शो हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जहां प्रेशर बढ़ेगा वहां वॉल्यूम, क्या ये एक्सप्रेशन के लिए सही है? yes, no, no, क्या हो जाएगा यहाँ बढ़ेगा, प्रेशर डिक्रीज होगा वॉल्यूम क्या होगा। हाँ, लेकिन अगर मैं यही कह दूं इन कॉम्प्रेशन बेटे, इन कॉम्प्रेशन तब तो क्या कहेगा प्रेशर इंक्रीज करेगा वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, पक्की बात। अच्छा एक्सपेंशन में हमेशा रखना, हम थोड़ा सा केमिस्ट्री के टर्म से अगर इसे रिलेट कराए तो बड़ा सिंपल सा फंडा आता है कि केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं एक वर्क डन बाय द सिस्टम और दूसरा वर्क डन ऑन द सिस्टम, उसमें वहां हम लोग क्या करते हैं बेसिकली वर्क डन बाय द सिस्टम हम लोग कैसे लेते हैं नेगेटिव और वर्क डन ऑन द सिस्टम कैसे लेते हैं पॉजिटिव। सब फिजिक्स में थोड़ा सा उल्टा है, क्यों उल्टा है इसे समझने की देरी होती। मैं आपको सही ढंग से अगर समझाऊं तो इसे कैसे समझा जाता है पता है, वर्क डन बाय द सिस्टम का मतलब क्या हुआ कि हमारे सिस्टम ने काम किया, वर्क डन बाय द सिस्टम का मतलब क्या हुआ कि हमारे सिस्टम ने काम किया, और जब सिस्टम के साइड से अपन देखते हैं तो फिजिक्स ये कहती है कि हम सिस्टम के थ्रू देखें और सिस्टम के थ्रू देखते हैं तो वो वर्क डन कैसा कंसीडर होता है पॉजिटिव। केमिस्ट्री का टर्म्स इसमें क्या कहता है कि केमिस्ट्री बेसिकली अगर देखा जाए तो ये दोनों क्या है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये भी शो कर रहे हैं भाई जितना सिस्टम ने काम किया उससे कुछ मिला होगा प्रोडक्ट, यानी एक सिस्टम ने एनर्जी दी होगी दूसरे सिस्टम ने एनर्जी उसकी क्या की होगी गेन की होगी, तो कहीं ना कहीं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। तो लेकिन हमें यहां क्या समझना है कि अगर एक्सपेंशन हुआ, फिजिक्स की टर्मोलॉजी बड़ी सिंपल सिंपल है कि अगर एक्सपेंशन हुआ तो हम ये समझते हैं कि हमारा सिस्टम क्या हो रहा है वर्क डन चल भाई। दूसरा अगर वर्क डन बाय द सिस्टम हुआ तो ऐसे सारे वर्क डन हमेशा कैसे होंगे पॉजिटिव, सेम या जस्ट ऑपोजिट बेटे क्या हो जाएगा नेगेटिव, वर्क डन ऑन द सिस्टम कंप्रेशन करा रहे हैं सर जबरदस्ती काम करा रहे हैं, किसी पर जबरदस्ती आप काम कराओगे सर तो ऑब्वियसली सी बात है सिस्टम पर काम होगा और वर्क डन ऑन द सिस्टम। चल भैया अच्छा बेटे अगर वर्क डन ऑन द सिस्टम हुआ गया तो ऐसे वर्क डन को कैसे लेंगे नेगेटिव। अच्छा इसका सबसे ज्यादा यूज आपको कहां मिलेगा समझ में आएगा बताएंगे जब आप लोगों को, अभी मैं थोड़ी देर बाद एक और टर्म सिखाऊंगा इसके साइक्लिक प्रोसेस का और अदर अदर वे में ग्राफ करीब 4-5-6-7 मिनट फिर से सिखाऊंगा तब आपको वहां इसका ज्यादा यूज समझ में आएगा कि आखिर ये कैसे हो रहा है जब ये दोनों एक साथ कहीं किसी सिस्टम के लिए काम कर रहे हैं। एक चीज हो ये एक वेरिएबल प्रेशर और वॉल्यूम के बीच का ग्राफ है, अभी हम एक ग्राफिकल टर्म सिखा रहे हैं, अभी हम आपको ये नहीं बता रहे हैं कि एक सिस्टम पर ये कैसे काम करता है, सिस्टम में भी आपको दिखाऊंगा ग्राफिकल पर भी सिखाऊंगा ये वर्क डन कैसे वेरिएशन के थ्रू निकाले जाते हैं और ये वर्क डन कैसे सिस्टम के थ्रू निकाले जाते हैं ये दोनों हम बताएंगे। जल्दी से फटाफट इसे नोट कर लो, इसमें आई होप कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए हो जाएगा जल्दी कर भाई। अच्छा ये तो हो गई है ना,
चीजें समझ में आ रही है? रखो बेटे, थोड़ा फास्ट कर लो, फटाफट। अच्छा तू सोच, अगर मैं यहीं पे, ये मैं बता दूं बच्चे, इन सब चीजों का अगर हम अपने टर्म्स से देखें तो ये बहुत बेसिक चीजें होती हैं, जिन्हें जानना। कभी कभी क्या होता है कि हम जब ग्राफिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ग्राफ आ गया, तो अक्सर हम कंफ्यूज हो जाया करते हैं कि सिस्टम हमारा कैसे वर्क कर रहा है, कैसे नहीं वर्क कर रहा है। अभी जैसे मैं आपको बताऊं, अभी जैसे साइक्लिक प्रोसेस में आपको सिखाऊंगा तो मैं एक एरिया टर्म से रिलेट कराऊंगा। तो उसमें क्या होता है, कभी कभी जिसकी एरिया मैक्सिमम होती है वो एक्सपेंशन शो करता है, और जिसकी एरिया मिनिमम आती है वो हमेशा क्या शो करता है, कॉम्प्रेशन। तो उसके टर्म्स में कैसे रिलेट कराऊंगे? तो आपको कहोगे सर यहां देखा जाए तो दोनों के टर्म्स में वैसे ही आ रहा है, तो लेकिन ये तब समझ में आएगा जब ये दोनों एक साइक्लिक प्रोसेस कर रहे होंगे, तब आपको वहां इजीली समझ में आ जाएगा कि आखिर नेट सिस्टम वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा है या नेट सिस्टम वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा है। दोनों सिखा जाए तब करो इसे। चलो पहले हम इसी में थोड़ा सा एक काम करते हैं। देख बेटे, 5 मिनट निकाले बोर्ड पर रखे, लेट्स सी। अपन करते क्या है, यही गेम खेलते आ जाए। देख भैया, मैंने कहा मान के चलो इसी एक्सपेंशन के केस में मुझे क्या निकालना हो, वर्क डन। इसी इंडिकेटर डायग्राम की मदद से मुझे क्या निकालना है, वर्क डन। अब तू सोच बेटा, सोचो आप क्या होगा वर्क डन में। हम लोग करते क्या है, जब ये वेरिएबल है हर इंस्टेंट पर इसकी वैल्यू क्या हो जा रही है, चेंज। चल भैया, अगर मैंने कहा कि हर इंस्टेंट पर इसकी वैल्यू चेंज हो रही है तो आपको समझना कैसे? बिल्कुल सही, हमने आपको सिखाया है कि जब भी हमें ऐसी वेरिएबल चीजें मिल रही हो तो हम लोग करते क्या है कि कभी किसी भी पोर्शन पर, किसी भी इंस्टेंट पर हम लोग क्या निकालें, वर्क डन। कैसे भी, कैसे हमने मान लिया कि हमारा सिस्टम यहां से यहां तक के बीच में, लेट्स सी स्मॉल वर्क डन कितना, सिर्फ अगर मैं मान लू ए बी सी डी, राइट, इनके बीच का डिस्टेंस, लेट्स सी वॉल्यूम के अंदर चेंजेस हो रहा है, डीवी मान लिया, एक एवरेज प्रेशर यहां कितना मान लिया, पी। तो दिमाग लगाओ, सोचो सिर्फ इतने सेगमेंट का, इस शेडेड रीजन के पोर्शन का मुझे क्या निकालना है, वर्क डन। बिल्कुल सही, अगर मैं कहूं इतने पोर्शन का वर्क डन मुझे सिर्फ निकालना है ए टू बी, तो सिंपल सा फंडा है स्मॉल वर्क डन। हालांकि मैं सिखाने को डायरेक्ट भी बता सकता हूं, लेकिन कभी कभी जब दो नंबर में क्वेश्चन आ जाते हैं आप लोगों के होम एग्जाम में तो वहां दिक्कत होती है, दो नंबर में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन आपको देना पड़ता है। तो स्मॉल वर्क डन कितना हो जाएगा, डी डब्ल्यू, किसके बीच निकाल रहे हैं, ए टू बी। अभी सोचो आप, देखो अगर थोड़ा सा स्मॉल वर्क डन कितना मिल जाएगा बताओ, बस अगर मैं एक लिटरली ऐसे समझाऊं बेटा, तो इतनी एरिया, ये बहुत छोटी सी एरिया है जिसे हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, फिर जिसमें छोटी छोटी बातों को इग्नोर कर दिया जाए, बड़ी बड़ी बातें पढ़ते हैं ना हम लोग थोड़ा सा। तो स्मॉल वर्क डन कितना हो जाएगा, सोचिए पी इंटू डीवी। अगर ये भी समझे तो ये पी क्या है, एक प्रकार का डी डब्ल्यू, हम ये कह सकते हैं जैसे बेटे ए बी इंटू सी डी, ए डी सॉरी ए डी इंटू सी डी, डी सी डी सी डी, व्हाटएवर। अब ये क्या बन गया, क्या ये हाइपोथेटिकल रेक्टेंगल की एरिया हो गई? हाँ, यानी ये एरिया ऑफ ए बी सी डी डिपेंड किया। तो बेटा अगर आपको यही बोला जाए कि अब बेटे ए टू बी तक टोटल वर्क डन कितना, आप बताओ, तो तू कहेगा सर डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू, ऐसे सारे स्मॉल वर्क डन का क्या कर दो, इंटीग्रेट। तो सोचो कि अब कहां से कहां तक करना है, v1 से v2, तो अभी नहीं, डब्ल्यू इज इक्वल टू लगा दे बेटा पीडीबी v1 to v2, या तो आप यही लिखे रहो। क्या इसमें हम p बाहर ले सकते हैं, नेवर। क्यों नहीं बाहर ले सकते, क्योंकि P कांस्टेंट है ही नहीं, क्योंकि हर इंस्टेंट पर प्रेशर वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है, चेंज। अक्सर करते क्या है बच्चे कि P बेझिझक बाहर ले लेते हैं, इस कर्व में कभी भी प्रेशर बाहर नहीं हो सकता जब तक वो ना बोले कि प्रेशर कांस्टेंट हो, और प्रेशर जब भी कांस्टेंट होगा तो अगर आप कभी पी और वी के बीच में साथ बनेगा ही नहीं, वो मैं भी आपको सिखाऊंगा। खैर, तो ये कितना हो गया डब्ल्यू, टोटल वर्क डन कहां से आ गया बेटे, टोटल वर्क डन ए टू बी पूरा अगर देखा जाए तो ये पी डी बी क्या था, एरिया ऑफ दिस, इंटीग्रेशन ऑफ एरिया ऑफ क्या ए बी सी डी, कहां से कहां तक, बी वन टू बी टू, तो अपन पूरा एरिया क्या मान लेंगे, डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या, एरिया ऑफ
कैपिटल ए कैपिटल बी, इसे मान लो कैपिटल सी कैपिटल डी, तो क्या हो जाएगा बी सी डी। यानी ये हुआ कि जब भी ए ऐसे वेरिएट करेगा तो हमारा नेट वर्कडन किस पर डिपेंड करेगा, एरिया ऑफ द ग्राफ, एरिया ऑफ द ग्राफ। कोई दिक्कत? बड़ा बड़ा छाप छाप ले बेटा, जिंदगी का असली मजा छापने में ही है। जल्दी बात आज भी नहीं, बड़ा एक्साइटेड लग रहा है तू, कुछ बात है क्या? नहाया वाया कि नहीं तू? कल ही होता संगम जाना है अभी ये वहां बस पे जाना है ना, पुण्य में मेहता वाले का सब। हां बस पे नोट कर, पुण्य कहां है जल्दी कर बेटा, थोड़ा सा फास्ट कर, समझ में आ गया वर्कडन कैसे होता है इस ग्राफ से रिलेटेड? ये क्या वर्कडन मैंने ड्यूरिंग एक्सपेंशन निकाला है? हाँ यस सर, वर्कडन ड्यूरिंग एक्सपेंशन By indicator, ठीक है? अभी तो सोच हो गया? Yes, sir. अब अपन करते क्या है कि ये तो हो गया इंडिकेटर डायग्राम के बाद, इंडिकेटर डायग्राम से मैंने एक्सपेंशन में ऐसे वर्कडन निकाला। अभी सोचो अगर मैं यही आपसे कहूं इंडिकेटर डायग्राम एक्सपेंशन के थ्रू तो आ गया इंडिकेटर डायग्राम से, अगर इसे को एक सिस्टम के थ्रू सिखाया जाए तो वो कैसे होगा? बहुत ईजी, रख करो। Yes, sir. बोल भैया। Yes, sir. अपन सीखते हैं छोटी छोटी चीजें, फिर इसके और हम लोग ग्राफ सीखेंगे, ठीक है? लेट्स सी। अब मैंने आपसे ये कहा बेटे ध्यान समझ, मान लिया पहले इसका वॉल्यूम, इसके अंदर एक गैस है, ठीक है? उसका वॉल्यूम कितना है? V1। हमने कहा एक्सपेंशन हुआ गैस का, अब यही मेरा यहां से हटके कहां पहुंच गया? थोड़ा सा पिस्टन ऊपर। चलो भाई अब पिस्टन मेरा यहां आ गया, कोई बात नहीं आने दो। हमने कहा जब ये यहां पहुंचा ये पिस्टन है, ठीक है बेटे? अगर ये पिस्टन यहां पहुंच गया तो अब फाइनल वॉल्यूम कितना हो गया? V2। तो मैंने कहा क्या सिस्टम यहां से यहां तक थोड़ा बहुत चेंज हुआ? हाँ बिल्कुल हुआ। आई डोंट नो कि ये डिस्टेंस कितनी थी, मैंने मान लिया dr। तो क्या गैसेस के एक्सपेंशन ने इसके ऊपर एक प्रेशर डाला होगा जिसकी वजह से ये चेंज हुआ? हाँ बिल्कुल ना। और अगर ऐसा हुआ तो स्मॉल वर्कडन इस dw के लिए दिमाग लगाइए क्या लगेगा? हमने कहा ना कि वो गैस एक फोर्स डाला, अब वो फोर्स क्या डाला हमें नहीं पता, मैंने मान लिया F। सपोज कर दिया हाइपोथेटिकली कि F इस पिस्टन की क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना मान लिया A, तो कितना उस पूरे एरिया पर लगाया होगा? Yes, क्या गैस ये सारी एरिया पर प्रेशर फोर्स लगाया होगा? Yes, हाँ भैया। और क्या वो परपेंडिकुलर फोर्स होगा? Yes, ये कोई जरूरी नहीं है क्योंकि गैसेस मॉलिक्यूल है, मैंने पहले ही कहा वो गैस है, आप कोई टेंजेंशियल फोर्स नहीं लगा रहे हैं। हाँ कंसीडर तो कर लेंगे लेकिन अब यहां हम कोई टेंजेंशियल नहीं दे रहे, ठीक है? इस वजह से क्योंकि वो चीजें हमें दिखाई थोड़ी दे रही कि कैसे लग रही, तो क्या हो जाएगा फोर्स? अच्छा ठीक है, फोर्स इंटू कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ भैया? dr, ठीक है? तो बेटे अब बेहतर पता है फोर्स को क्या ले सकते हैं? pl। बोल यार yes, ये क्या हो गया? वॉल्यूम। वेरी गुड। dw की वैल्यू कितनी आ गई? pd। तो w इसको कितना हो जाएगा? इंटीग्रेट मारते pd v12 राइट। ये हो गया सिस्टम के थ्रू, इसको भी नोट मार ले, ये भी एक्सपेंशन का ही वर्कडन है बाय द सिस्टम। फटाफट करते चलते हैं और इसके न्यूमेरिकल भी हम लोग एससीवी पोर्शन के अलग अलग सेगमेंट में सीखेंगे, ठीक है? पूरा एससीवी के एक एक न्यूमेरिकल्स यहाँ पे समझाए जाएंगे, ठीक है?
हाँ कॉन्सेप्ट चूंकि अच्छे हैं सीवी के, न्यूमेरिकल भी बहुत अच्छे हैं, तो उनको हम लोग डिस्कस जरूर करेंगे, ठीक है वहां लग, और मैं आपको दूंगा जो शीट वाले क्वेश्चन हैं उनको भी लगाइएगा आप लोग, ठीक है नेक्स्ट हफ्ते मैं आपको शीट भी दे दूंगा, ठीक है हो गया बेटे, हम बहुत ज्यादा तो नहीं होना चाहिए। आइए अब हम इस पर थोड़ा सा ग्राफिकल टर्म्स सीखे, रखो रे बेटे, एक बेसिक इंट्रो था अभी तक का। आइए चलिए अब आप लोग बताना थोड़ा सा, सपोज करो अगर ऐसे टर्म्स हो रहा, क्या मिल रहा है तेरे को बेटा, इस केस में प्रेशर इंक्रीज कर रहा है, वॉल्यूम प्रोसेस कैसा हुआ, आइसोकोरिक कैसा हुआ, आइसोकोरिक, और इस केस में वर्गन क्या होगा, श्योर क्यों वर्गन जीरो होगा, क्योंकि हाँ ये कांस्टेंट होने का मतलब होता है चेंज इन वॉल्यूम क्या हो गया जीरो, वेरी गुड ये पहला, ठीक है नाउ सेम हियर बेटे, इस केस में तो बेटा प्रेशर कांस्टेंट होगा वॉल्यूम इंक्रीज होगा, हां प्रेशर कांस्टेंट ठीक, वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, यस सर श्योर, अगर वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है तो यहाँ वर्क डन होगा, बिल्कुल कैसे पी डेल्टा भी अच्छा ये है, अगर हम किसी पर हाइपोथेटिकली ऐसे अज्यूम कर लिए ये वी वन ये वी टू, तो तुझे बेहतर पता है कि इस केस में हमारा जो अभी यही ध्यान से देखना है, अभी नॉर्मली हम लोग अच्छा क्या ये कह सकता हूँ ये एक्सपेंशन है, हाँ बिल्कुल एक्सपेंशन है, वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे हैं तो हम डी डब्ल्यू की वैल्यू थोड़ी देर कर ले, डी डब्ल्यू की वैल्यू क्या निकाले थे या नॉर्मली बेटा बेटा एक मिनट छोड़, डब्ल्यू की वैल्यू क्या निकाला था इंटीग्रेशन ऑफ पी डी निकाला था अभी थोड़ी देर पहले, तो ये कितना हो जाएगा वी वन से वी टू हो गया, अब दिमाग लगा क्योंकि तुझे पहले ही पता है प्रेशर क्या है, चल भैया बेटे पी बाहर या वी टू वी टू माइनस वी वन, मैं क्या लिख सकता हूँ पी डेल्टा वी, वेरी गुड नहीं समझ नहीं बात यानी यहाँ वर्गन पॉसिबल है, अच्छा तू सो तीसरा थर्ड समझ में आ रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, यस सर बेटे अभी यही समझ सोच, अगर बेटे मैंने कहा ये एक साइक्लिक प्रोसेस होता है, आ जाओ ए बी सी डी, चलो ए बी सी डी राइट, अब बता इस केस में तुझे क्या समझ में आ रहा है बेटा, वी वन वी टू पी वन पी टू, दिमाग लगाइए ए से बी, इसके दो तरीके थे, हाँ बिल्कुल बोलो सर, ए से बी का पहले निकालेंगे फिर बी से सी का निकालेंगे फिर सी से डी का निकालेंगे फिर उसके बाद ए से डी का निकालेंगे, ए से डी या डी टू डी टू डी टू में निकालेंगे फिर उसको सबको ऐड कर देंगे, देखो एक तो इसने बहुत सही बात बताई कि क्या हम इंडिविजुअल वर्क डन निकाले, इस केस में भी एक्सपेंशन, इस केस में कंप्रेशन, अबे इस केस में एक्सपेंशन, इस केस में कंप्रेशन, और ये दोनों केस में तो वर्क डन होना ही नहीं यार, अरे यार मैंने कहा कि अगर ये वर्क डन जीरो हो गया ये भी वर्क डन जीरो हो गया अब बचे दो की, और इसका वर्क डन बाय द सिस्टम, इसका वर्क डन, इसका वर्क डन पॉजिटिव, इसका वर्क डन हो जाएगा, क्या मैं दोनों को ऐड कर सकता हूं, एक तो तरीका ये हो गया साइकिल का एरिया, और दूसरा बिल्कुल सही पकड़ा, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि अगर किसी भी केस में आ जाए तो उस केस में अपन क्या निकालते हैं एरिया, क्या हर एस्पेक्ट में हमारी चीजें चेंज हो रही है, हाँ बिल्कुल हो रही है भाई, यहाँ प्रेशर और वॉल्यूम कुछ और है, यहाँ प्रेशर और वॉल्यूम कुछ और है, भले वॉल्यूम इनके बीच का सेम है लेकिन प्रेशर तो दोनों के लिए अलग अलग हो जा रहे हैं, तो सिंपल सा फंडा एक होता है कि हम इसकी क्या निकाल लें एरिया, और डायरेक्टली बोल थोड़ा सा ओरल बोल, डब्ल्यू पी क्या ये कितना आ जाएगा पी टू माइनस पी वन, और ये कितना हो जाएगा बेटे ये कितना आया सिर्फ v2 माइनस v1, और ये कितना आ जाएगा सोच v2 माइनस v1, सॉरी v2 माइनस v1, वेरी गुड, तो ये नेट वर्क डन कितना आ जाएगा, मैं ये ले सकता हूं क्या v2 माइनस v1 इनटू v2 माइनस v1, वेरी गुड, नहीं समझ में आया आ जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं ना, और अच्छा एक चीज मैं और बता दूं तुझे कि अगर मैं जो बोला था इंडिविजुअली निकालने के लिए ना, इंडिविजुअल भी निकालोगे तो भी यही आएगा, तो भी यही आएगा, अब बस ये फर्क होता है कि इसकी एरिया पॉजिटिव या नेगेटिव डिपेंड करती है,
अगर हमारा टर्म्स कैसा है क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज है तो वर्टन कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा तो वर्टन नेगेटिव है। खत्म, नहीं सुन नहीं पर नोट कर। सजेशन दो